हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज स्लाइटली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 19 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज स्लाइटली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। नाउ सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे कि हमने 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है कन्वर्जिंग लेंस से, और जो इमेज है वो स्लाइटली स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, और एक ऑब्जेक्ट को हमने 21 सेंटीमीटर पर रखा है लेंस से, और जो हमारी इमेज है वो लार्जर है ऑब्जेक्ट से। तो हमें बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी इस लेंस की। तो यहाँ पर जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों जैसा कि हमें हमसे यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने प्लेस किया है 21 सेंटीमीटर पर, और जो हमारी इमेज बनती है वो स्लाइटली स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से। तो हम जानते हैं बच्चों कि हमारी जो इमेज बनती है वो स्लाइटली स्मॉलर तब बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 21 सेंटीमीटर जो है ये वो डिस्टेंस है, बेसिकली बियॉन्ड 2f है ये। तो ये क्या है, ये बियॉन्ड 2f है। बियॉन्ड 2f जो डिस्टेंस है हमारा वो 21 है। 20 बियॉन्ड 2f है ये 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर जो है ये 2f के बियॉन्ड है, मतलब 2f इससे पहले आ जाएगा हमारा। अब हमसे कहा गया है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को 19 सेंटीमीटर पर रखा है और जो इमेज बनी है वो लार्जर बनी है। बच्चों हम जानते हैं कि इमेज लार्जर जब बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 19 सेंटीमीटर क्या है हमारा, ये बिटवीन बिटवीन f और 2f के बीच में रखा हुआ है। बिटवीन f एंड 2f का जो डिस्टेंस है हमारा ये 19 सेंटीमीटर बेसिकली f और 2f के बीच में लाई करेगा, और 21 बियॉन्ड 2f लाई करेगा। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो बच्चों अगर हम इसका एवरेज कर दें इन दोनों वैल्यूज़ का, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो आइए पहले हम इनका यहाँ पर एवरेज निकाल लेते हैं। सो इसका एवरेज आएगा हमारे पास 21 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। क्या आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर हम कहें 2f। अब 2f हमारा 20 है, तो हम जानते हैं f क्या होगा, इसका हाफ होगा मींस 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी बच्चों, 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।